वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी के आशीर्वाद से आप दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की करें। वृश्चिक राशि वालों, आज शाम 4:41 बजे से, जी हाँ दोस्तों, 4:41 बजे से आप सभी के जीवन काल में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आप तड़प रहे थे वो चीज अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, भगवान कुबेर महाराज जी जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और वृश्चिक राशि वालों, आज शाम 4 बजे के बाद ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो कि आज तक आपको नहीं मिला होगा और ना आपको कभी ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जो खुशखबरी आज आपको मिलेगी। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, भगवान आज आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं जिन्हें पाकर आप गदगद ही हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको जरूरत होती है इन सभी चीजों को पहचान करके आपको अपने जीवन में प्राप्त करने की। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी के जीवन में खुशियाँ आती जाती रहती है, हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। कभी हमें बड़ी मात्रा में धन दौलत की प्राप्ति होती है तो कभी हमें कई प्रकार के मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और इसका मुख्य कारण होता है हमारे कुंडली में ग्रहों की चाल। जी हाँ, कुंडली की चाल अगर सही है, ठीक ठाक है, तो हम सभी के अच्छे परिणाम मिलते हैं, मेहनत का हमें पूरा पूरा फल मिलता है। और अगर इनकी चाल सही ना हो तो कई प्रकार के मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, कई प्रकार संकटों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और इसका मुख्य रीजन है ग्रहों की चाल। और दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ग्रहों की चाल हर रोज बदलते रहते हैं, कभी शुभ स्थिति में होती है तो कभी अशुभ स्थिति में होती है। जब ग्रहों की चाल अशुभ स्थिति में हो तो हमें बहुत सी चीज़ों में सावधानियों का पालन करना होता है। अगर इन सावधानियों को हम अच्छे से पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं आ पाती है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत ही प्रबल है, बहुत ही शुभ स्थिति में है, जो कि हर प्रयास से आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको कुछ बातों को अपने ध्यान में रखकर आपको अपने कार्य करने होंगे, बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन उससे पहले भगवान कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी जी के जो भी सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को एक लाइक करके साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय कुबेर महाराज, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी दोनों ही आपके घर में हमेशा धन दौलत और खुशियां बरसाएंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नए नए स्रोत लेकर आएंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। कई विशेष राजयोग और धनयोग का निर्माण होने से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इनकम में वृद्धि होगी और कुछ बड़ी सफलता मिलने से मन काफी प्रसन्न रहेगा। कैरियर में अगर कुछ कार्य रुका हुआ था, कुछ कार्य पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो उनको लेकर कुछ बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। कैरियर में आज आपको लाभ होगा और कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं मिलेगी, अधूरे काम आज आप आसानी से पूरे कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, मान सम्मान करेंगे और अपने सूझबूझ, अपने विवेक से आप सभी कार्यों को आसानी से निपटाते चलेंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपको कोई बड़ी बाधा, कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। कार्यक्षेत्र में पहले से जो परेशानियां चलती आ रही थी, जो मुसीबतों का सामना करती आ रही थी, वह सभी अब दूर होती हुई दिखाई देंगी।
नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे और आपको महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आपकी दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन आएगा और अभी तक आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो सफलता अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, और यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो वो धन अब आपको वापस मिल सकता है। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। और बिजनेस कर रहे लोग अपनी सूझबूझ और सौदा करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन आपको अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ बातों को गुप्त रखना होगा। यदि वह किसी के सामने उजागर की तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज आप अपनी बातों को गुप्त रखें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। कार्य क्षेत्र में आज आपको लाभ होगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी, कुछ अधूरे पेंडिंग पड़े कार्य पूरे कर सकते हैं, आमदनी में काफी ज्यादा इनकम होगी और वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, आपको अपने काम में लापरवाही करने से बचना होगा, नहीं तो दोस्तों समस्या हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों काम में आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं, जो कि दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर समस्या हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आपको समस्या ना हो उसके लिए आप पहले से ही सावधान रहें और अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको किसी रुके हुए कार्य को समय पर पूरा करना होगा। आपकी अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभदायक होंगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों आपका पूरा घर खुशी से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपके घर में कोई नन्हे मेहमान संबंधी किलकारी समाचार मिल सकता है। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। बिजनेस कर रहे लोग मन मुताबिक लाभ पाकर काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज आपको कार्य क्षेत्र में ठगी व गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, नहीं तो कोई आपके साथ धोखा छल कर सकता है। ऐसे छलिए और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपको कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में कुछ कहे तो आपको उसे सुनकर उस पर अमल नहीं करना होगा, नहीं तो दोस्तों आप बातों बातों में भटक जाएंगे और आप अपने मंजिल से दूसरे रास्तों में चल जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और विद्यार्थी आज शिक्षा में मन मुताबिक परिणाम पाकर काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। अविवाहित जातकों के लिए समय काफी उत्तम है, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। जी हाँ, किसी संपत्ति संबंधित सौदा को करते समय आज किसी बाहरी व्यक्ति से बातचीत ना करें। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सलाह दूसरों से कभी मत मांगिएगा। जी हाँ, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, ये आपको खुद से सवाल करना है। अगर आप दूसरों से सवाल करेंगे तो आप अपनी राहों से भटक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत है, अगर खुद से सवाल करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे और अगर दूसरों से सवाल करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा और जितना हो सके खुद से ही सवाल करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आज का दिन आपको लाभ होगा और आपके लिए सामान्य रहने वाला है। घर परिवार में जो है अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, क्योंकि आप अपने निर्णय लेने की क्षमता का आज पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतनी होगी। जी हाँ दोस्तों, हो सके तो आज आप वाहन का प्रयोग ना ही करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों वाहन के दौरान आज आपको चोट या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जो कि दोस्तों आगे चलकर दिक्कत हो सकता है। इसलिए अगर आप इन सभी खतरों से, इन सभी मुसीबतों से बचना चाहती हैं तो आप अपने घर पर ही समय व्यतीत करें, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ। जी हाँ, अगर जाना जरूरी हो तो आप सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कर सकती हैं, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी हो, इन बातों से आप सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।